नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, अगर चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद कर रहे हैं तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि आपको कोई भी चैनल का अपडेट है जल्दी से जल्दी पता चल जाए। क्योंकि हर शनिवार को हम हर महीने के सारे शनिवारों को कोशिश करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ लाइव चैट और लाइव सेशन में जुड़ने की, जिससे कि हम आपके सारे सवालों का जवाब दे सकें। चाहे आप स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, पेशेंट हो, आपका कोई भी सवाल हो, हम कोशिश करते हैं कि उसका हम आपको जवाब दें। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना पड़ेगा। दोस्तों, अब सीधे वीडियो में चलते हैं। आज का जो वीडियो है ये है बॉडी एक और माइलजिया के बारे में, और इसकी जो डिमांड है, मतलब भयंकर रूप से डिमांड आई है। कल देखिए, एक दिन के अंदर 4 बंदे टूट पड़े कमेंट सेक्शन में किसी वीडियो के कि हमको इसके बारे में वीडियो चाहिए। उनके नाम है सुमित रामचेरे जी, लिखते हैं मसल सोरनेस के लिए मदर टिंचर पूछ रहे हैं। मतलब वो सवाल वही है कि बॉडी एक की बात हो रही है। अनुल मिश्रा जी लिखते हैं बॉडी एक पर वीडियो। गोहन कुमार जी लिखते हैं मसल पेन पर वीडियो सर। और डॉक्टर प्रयात सिंह जी लिखते हैं मेक अ वीडियो ऑन द माइलजिया प्लीज। ठीक है, तो अब इतने सारे कमेंट आए तो मुझे मजबूरी में बनाना पड़ा। हालांकि मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी बिग टॉपिक इन द मेडिकल फील्ड। माइलजिया मतलब बड़ा सिंपल सा है, तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। हम इस जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज माइलजिया, माइलजिया क्या होता है और क्यों होता है। अब देखिए, इसके कई सिनोनिम है। सबसे पहले हम बिल्कुल सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। कई सिनोनिम है माइलजिया बोलते हैं। माइलजिया मतलब MYEL, जो माइल शब्द है वो मसल्स के लिए है, और एलजिया शब्द हम जानते हैं पेन के लिए होता है ना, जैसे न्यूरेलजिया पेन, एलजिया मतलब पेन। तो ये मस्कुलर पेन की बात हम कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जॉइंट पेन। इसका दूसरा नाम है बॉडी एक। शुद्ध हिंदी में बोलें तो इसको हड़फूटन बोलते हैं बुंदेलखंडी में, कि हड़फूटन मतलब शरीर टूटना। ठीक है ना, तो जो ये मसल्स पेन या बॉडी एक होता है बेसिकली, अब यहां से ढंग से सुन लेना क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन पूरा गूगल चार्ट डालना तुम लोगों को कहीं पे नहीं मिलेगा, ये एक एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ माइलजिया, आप समझो मेरी बात। वन इज द प्राइमरी माइलजिया एंड द अदर इज द सेकेंडरी माइलजिया। प्राइमरी माइलजिया को बोलते हैं इडियोपैथिक माइलजिया। इडियोपैथिक मतलब इसका हमको कारण नहीं पता, इसका हमको कारण नहीं पता है। ये बस हमारे को बदन में दर्द होता है, मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है, और ये बड़ा कॉमनली पाया जाता है, लोगों के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली पाया जाता है ना। ये बहुत सारी आबादी इससे सफर करती है, कई बार वो लोग रियलाइज नहीं कर पाते। कई बार वो ये सोचते हैं कि वो थक गए हैं इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, इस तरह की बातें चलती हैं। द सेकेंडरी माइलजिया इज दैट इन विच देयर इज एनी अंडरलाइंग डिजीज ड्यू टू विच दीज मसल पेन इज हैपनिंग। समझो, कोई पहले से कोई बीमारी एग्जिस्ट कर रही है और वो जो एग्जिस्टिंग बीमारी है उसके कारण हमको मसल पेन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी माइलजिया। अब सेकेंडरी माइलजिया के अंदर आपको उस प्राइमरी डिजीज को सही करना पड़ेगा जिस वजह से ये मसल पेन हो रहा है, और मसल पेन हजारों बीमारियों के अंदर होता है। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। फीवर, फीवर में सबके मसल पेन होते हैं, बॉडी एक होता है, फीवर के अंदर शरीर को तोड़ के बुखार आता है। हमारे यहाँ यूपेटोरियम पर्फ नाम की दवा बताई है जो कि कई बीमारियों पर इंडिकेटेड है, जिसका मेन लक्षण ही है कि हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेक फीवर। ठीक है ना, एक वो कंडीशन हो गई। कोई अंडरलाइंग मस्कुलर डिसऑर्डर, मसल्स का इन्फ्लामेशन चल रहा है, मसल्स के फेशिया का इन्फ्लामेशन चल रहा है, मायस्थीनिया ग्रेविस की मैं बात कर रहा हूं, और कई जेनेटिकली डिटरमाइंड मस्कुलर डिस्ट्रॉपी जैसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपको मस्कुलर पेन होगा। तो इस वीडियो में वी आर नॉट गोइंग टू टॉक एनी सिंगल वर्ड अबाउट द सेकेंडरी माइलजिया, क्योंकि सेकेंडरी माइलजिया बीइंग मेडिकल प्रैक्टिशनर या स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि जब तक उस प्राइमरी डिजीज को मैं सही नहीं करूंगा जिसके कारण मेरे को मसल पेन हो रहा है, जिसको मैं सेकेंडरी मसल पेन या सेकेंडरी बॉडी एक या माइलजिया बोल रहा हूं, तब तक यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो हम बात करेंगे
सिर्फ प्राइमरी माइलजिया की, जो कि इडियोपैथिक माइलजिया भी है। इडियोपैथिक मतलब उसका कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं है, वो बस ऐसे ही लोगों को होता है, ठीक है ना। अब ये जो इडियोपैथिक या प्राइमरी माइलजिया है, ये भी बेसिकली इसके अंदर भी सिर्फ दो प्रकार के वेरिएंट मिलते हैं। इसका भी मैंने दो प्रकार के उसमें ए और बी में इसको डिवाइड करके रखा है, और उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। पहले हम दूसरी स्क्रीन पे चल के कुछ इसकी डेफिनेशंस देख लें, कुछ कॉज देख लें। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हम दूसरी स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई भी रैंडम आप उस पर, आप ये जैसे सदर्न पेन एंड न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइट है, ये अमेरिका की है, आप कुछ भी आप माइलजिया डाल के कोई भी गूगल की साइट पे आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको सब यही सब मिलेंगी, सब मोर और लेस सब कॉमन बातें मिलेंगी। मसल पेन इज द कॉमन एंड कैन ओरिजिनेट इन एनी मसल ऑफ द बॉडी। द मेडिकल टर्म ऑफ द मसल पेन इज द माइलजिया। माइलजिया कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द मसल पेन एक, एंड पेन एसोसिएटेड विद द लिगामेंट टेंडन सॉफ्ट टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन ऑर्गन्स एंड मसल्स, ठीक है ना। अब इसको समझो, यहां पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पहले ही समझ में आ जाना चाहिए। ये हाथ है, ठीक है ना, ये जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट है। तो यहां और यहां इसके बीच में जो पेन होगा, हम अभी उसकी बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहां पे और यहां पे पेन के बारे में बात कर रहे हो तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द माइलजिया, यू आर टॉकिंग अबाउट अबाउट द आर्थ्रेलजिया। उसको आर्थ्रेलजिया बोलते हैं क्योंकि ये जॉइंट है। आर्थराइटिस बोलते हैं ना, तो ARTH आर्थ जो शब्द है दैट डिपिक्ट और दैट डिग्निफाइज द जॉइंट, और माइलजिया मतलब मसल्स को डिग्निफाई करता है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पेन एट दिस साइट और पेन एट दिस साइट और पेन एट दिस साइट, देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द माइलजिया, यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्थ्रेलजिया, जिसको बोलते हैं जॉइंट पेन। हम सिर्फ इसकी बात करेंगे क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो यहां होती हैं। मसल्स के एंड जो है वो लिगामेंट और टेंडन के रूप में चेंज हो जाते हैं एकदम एक्सट्रीम पे, और वो जॉइंट से जाके इंसर्ट करते हैं और इसी तरह से जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। तो वो अलग चीज है, वो आर्थ्रेलजिया होता है। मैं माइलजिया के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और आपका सवाल भी माइलजिया के ऊपर है, तो ये मैं कुछ दर्शकों को ये चीज अच्छे से क्लियर कर दूं। अब सीधे आते हैं। अब यहां पे देखो बड़े बड़ी बातें हो रही है, मतलब भयंकर बड़े कॉज बताए गए, कॉज ऑफ माइलजिया। माइलजिया कैन टिपिकली लोकलाइज इन द वन एरिया ऑफ द बॉडी और ग्रुप ऑफ द मसल्स। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द पेन आर द स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब बहुत मेहनत, स्ट्रेस तनाव, ओवरयूज, इंजुरी और टेंशन, इसके कारण ये होता है। मसल पेन स्पेसिफिकली सिस्टेमिक मसल पेन कैन बी कॉज्ड बाय द इलनेस, इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिकेशन। तो ये मैं वही बोल रहा था, देखो ये सब सेकेंडरी माइलजिया की बात हो रही है। ये कंडीशन होती है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, फाइब्रोमाइलजिया, लाइम्स डिजीज, ल्यूपस, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो यहां पे मैं यही बता रहा था आप लोगों को कि ये सब जो है ना, ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनकी वजह से मस्कुलर पेन होता है, वी आर नॉट टेकिंग दोज टॉपिक्स इन दिस वीडियो, ठीक है ना। हम छुटकू मुटकू बिल्कुल इनोसेंट मसल पेन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत कॉमनली होता है, जो केसेस हमारे पास आएंगे और जिनसे हम बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी डेली प्रैक्टिस में रूबरू होते हैं, ठीक है ना। अब हम जाते हैं अपने प्राइमरी माइलजिया के ऊपर, मतलब इडियोपैथिक, ऐसा माइलजिया जो कॉमनली पाया जाता है, जिसके पीछे कोई आइडेंटिफिएबल डिजीज नहीं है, जैसे कि हम लोगों को दर्द होता है। तो उसके जो पहला, उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब दो कॉज है इसके, दो दो पैथोफिजियोलॉजी है जिसकी वजह से, जिन दो पैथोफिजियोलॉजी के कारण ये माइलजिया होता है, मैं उनके बारे में से पहली, उनमें से पहली को कंसीडर कर रहा हूं, अभी पहली के बारे में बता रहा हूं। सवाल मेरा, आप लोग में से कितने लोग जिम गए हैं? जो लोग जिम गए हैं वो एक बात अच्छे से जानते हैं कि जो सेडेंट्री हैबिट्स वाले लोग हैं, जब वो इनिशियली जिम को ज्वाइन करते हैं तो उनको क्या होता है, उनको मसल पेन होता है। मतलब शुरू के जब एकदम से ताजी ताजी एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल सेडेंट्री हैबिट्स को तोड़ के, कि सवेरे 5 बजे उठे, डेली जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है, इनिशियली उनको भयंकर 4 से 5 दिन तक पेन होता है। और उनका ट्रेनर क्या बोलता है उनको, उनका ट्रेनर बोलता है, बोले भैया चिंता मत करो, 3-4 दिन में एडजस्ट हो जाओगे, अपने आप चला जाएगा। तो दैट इज जो वहां पे पैथोफिजियोलॉजी हो रही है, दैट पैथोफिजियोलॉजी इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द कॉमन माइलजिया।
वहां पे क्या पैथोफिजियोलॉजी हो रही है आप ये समझ लीजिए। मैं अभी आपको शब्दों में समझा रहा हूं, फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसके थ्रू आप समझ लोगे। होता क्या है कि हमारी मसल्स के अंदर हम ग्लूकोज को यूज करते हैं, ठीक है ना। जब ग्लूकोज को हम यूज करते हैं, काय के लिए यूज करते हैं, मैं वेट लिफ्ट कर रहा हूं तो मैं एनर्जी प्रोडक्शन, मुझे एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए मैं ग्लूकोज को यूज कर रहा हूं। जब मसल्स को मैं यूज कर रहा होता हूं तो मसल के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है, वो टूटता है, उससे एटीपी निकलती है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी की यूनिट है एटीपी। हमारी बॉडी में अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, तो वो एनर्जी कहां से आती है? वो एटीपी के मॉलिक्यूल से आती है। तो मैंने वजन उठाया, वजन उठा रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, ग्लूकोज यूज हो रहा है, एटीपी टूट रहा है। मतलब ग्लूकोज यूज हो रहा है, ग्लूकोज जब टूटता है तो एटीपी रिलीज होता है, प्लस एटीपी के साथ लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, और ये वही लैक्टिक एसिड है जो मसल्स में जमा होता है और पेन करता है। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि मैं मेरी मसल्स को यूज ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल मैंने यूज नहीं करा अपनी पूरी जिंदगी, फिर मैंने एकदम से जिम ज्वाइन करी, मैंने मसल्स को ज्यादा यूज कर रहा। तो जब लैक्टिक एसिड बनता है, ग्लूकोस मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिसिस मतलब मैं यहां पे ग्लूकोस को तोड़ रही है मेरी मसल मेरे को एनर्जी देने के लिए, उस वजन को उठाने के लिए। तो जब वो टूटा तो एटीपी निकला प्लस लैक्टिक एसिड निकला। अब एक चीज होती है, लैक्टिक एसिड पंप चलता है मसल्स में, कि जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बन रहा है ना उसको ड्रेन करना है। अब मेरा जो लैक्टिक एसिड पंप है वो किसके हिसाब से एडजस्टेड है? वो मेरी पुरानी लाइफ स्टाइल के हिसाब से एडजस्टेड है, जिसमें मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। तो जितना लैक्टिक एसिड बनता था मेरी बॉडी ड्रेन करती रहती थी, पर यहाँ पे इस मसल में मैंने एकदम से वजन उठा के इतना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करा कि वो पंप की जितनी ड्रेनेज की कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा बन गया। और जब वो उससे ज्यादा लैक्टिक एसिड बना तो उस उतने लैक्टिक एसिड की वजह से, उतने ज्यादा लैक्टिक एसिड की वजह से वो एक्यूमुलेट हो गया मसल के अंदर, क्योंकि मेरा पंप तो काम कर रहा है पर पंप की कैपेसिटी इतनी है, लैक्टिक एसिड मैंने इतना बना लिया मसल से एक्सरसाइज करके। और वो जो लैक्टिक एसिड का डिफरेंस है ये मेरे को ड्रेन आउट होने में लगते हैं 4 से 5 दिन, और इसी के कारण 4 दिन मेरे को पेन होता है। और जब मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूं तो मेरे लैक्टिक एसिड पंप की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और वो जो कैपेबिलिटी बढ़ती है उस कैपेबिलिटी के कारण फिर मेरे को बॉडी में एक नहीं होता, क्योंकि मेरा जितना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ग्लूकोज को यूज करके एटीपी प्रोडक्शन के दौरान जितना लैक्टिक एसिड निकल रहा है वो बॉडी पूरा वो मसल क्या होता है ड्रेन कर देती है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म जिसके अंदर आपको बोन पेन, आपको मसल पेन होता है। ये ज्यादातर लोगों के अंदर यही चीज होती है, ठीक है ना। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, एक डायग्राम से। ये जिस साइकिल की मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये होता है कोरी साइकिल। देखो ये लीवर है, लीवर के अंदर ये, अब चलो लीवर से बात नहीं करते क्योंकि हम मसल की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मसल की बात करेंगे कि मसल ने ग्लूकोज अपटेक करा जो लीवर ने बनाया था। ये यहां पे चल रहा है ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस। भाई लोगों अगर मेरे वीडियो देखने हैं, अगर मेरे वीडियो को ढंग से समझना है, तो आपका अलाइट का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वगैरह वगैरह। ग्लूकोनियोजिनेसिस मतलब जब लीवर फालतू की चीजें इकट्ठी करता है और उससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है, तो जब ग्लूकोज का प्रोडक्शन लीवर कर रहा है तो दैट इज ग्लूकोनियोजिनेसिस। जिनेसिस मतलब उत्पत्ति, ग्लूको मतलब ग्लूकोज की, और नियो मतलब नए सिरे से ग्लूकोज को बनाना। तो ये हमारा बॉडी के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं लीवर करता है, और वो ग्लूकोज जो होता है जब मसल यूटिलाइज करती हैं तो उस ग्लूकोज को तोड़ देती हैं। क्यों तोड़ती हैं? कि उस ग्लूकोज से एनर्जी निकले, और दैट प्रोसेस इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोनियोजिनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस। अब समझो, मेरे ख्याल में यार इसके अंदर पूरा नहीं दिख रहा क्या? एक सेकंड। तो मैंने ये करा, अब मेरे ख्याल में आप लोग ज्यादा बेटर देख पाएंगे। अब देखो यहां पे चल रहा है ग्लूकोनियोजिनेसिस, मतलब लैक्टेट वगैरह उठाया, लैक्टेट, दो लैक्टेट से दो पायरुवेट बने, पायरुवेट के अंदर 6 एटीपी जुड़ते हैं तो ग्लूकोज बनाता है। तो ये है ग्लूकोनियोजिनेसिस।
ये मेरा लीवर क्या ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रहा है, वो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू गया मसल के पास, मसल ने क्या करा उस ग्लूकोज से दो एटीपी मॉलिक्यूल निकाले प्लस दो पायरूवेट निकाले और दो लैक्टेट, ये लैक्टिक एसिड है। मैं इस लैक्टिक एसिड की बात कर रहा हूँ, ये लैक्टिक एसिड पंप से वापस ब्लड में आएगा और ये इस साइकिल को हम बोलते हैं कोरी साइकिल। आई बात समझ में आपको? इस साइकिल को हम बोलते हैं कोरी साइकिल। व्हाट इज कोरी साइकिल? कि ग्लूकोनियोजिनेसिस से बन रहा है ग्लूकोस लीवर में, वो ब्लड में आता है, ब्लड स्ट्रीम से मसल्स उसको अपटेक करती हैं और उसका उसको डिसइंटीग्रेट करके उससे एनर्जी प्रोडक्शन करती हैं प्लस पायरूवेट, फिर लैक्टिक एसिड या लैक्टेट निकलता है। तो ये पूरा साइकिल होता है कोरी साइकिल। इसमें ये जो लैक्टेट आप आखिरी में देख रहे हैं, जो लैक्टेट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो लैक्टेट है ये लैक्टेट है लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड आपको पेन करता है बॉडी के अंदर। अब आप और हम, जैसा कि हम सब जानते हैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, ज्यादातर लोगों के अंदर ग्लूकोस मेटाबॉलिज्म गड़बड़ चल रहा है, कुछ को डायबिटीज हुई हुई है, कुछ लोगों के अंदर ये चीज अच्छे से नहीं काम करती, हम लोग वैसे ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मतलब पेशेंट है। तो जो आम लोग के अंदर जो सबसे कॉमन कारण क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन प्लस उसका ड्रेनेज प्रॉपरली उस मसल से, ये अच्छे से नहीं हो पाता और इसी के वजह से उनको पेन होता है। अब एक चीज बताते हैं, अब मैं अभी क्या करता हूं, मैंने आपको एक मैकेनिज्म बता दिया कि जो प्राइमरी माइल्जिया का सबसे कॉमन कॉज क्या है, जो मैंने पूरे एग्जांपल ये जो फर्स्ट कॉज में बता रहा हूं जिसमें लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन प्लस लैक्टिक एसिड पंप की खराबी, तो जिसको मैंने आपको जस्टिफाई करा जिम जाने वाले एग्जाम्पल से, पर जिम ना जाए कोई भी तब भी लोगों के अंदर कई मरतबा इस मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आती है और उनकी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड पड़ा रहता है और वो ही उनको मीठा मीठा बोन पेन देता है। अब यहाँ पे हम आते हैं इस वाले मैकेनिज्म, इस वाले कॉज के ट्रीटमेंट पे, क्योंकि मैं दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग बताऊंगा, अलग अलग मेडिसिन भी आएंगे उसमें। तो दोस्तों, इस चीज के लिए जो लैक्टिक एसिड के मैकेनिज्म खराब है, इसके लक्षण क्या होंगे? इसके लक्षण होंगे कि पेशेंट आपसे बोलेगा, सर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जम के पिटाई करी हो, लठ पड़े हो और उसके बाद जैसा दर्द होता है ना, और अगर उसको हम उस रिब्रिक को अगर हम कोई एक मेडिसिन की टैगलाइन से मिलाएं तो सोर लेम ब्रुस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी एज इफ बीटन। कौन सी मेडिसिन की टैगलाइन है ये? सोर लेम ब्रुस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी एज इफ बीटन, मतलब ऐसा शरीर में अनुभूति होती है जैसे जम के लठ से पिटाई हुई हो पेशेंट की, और वो जो मीठा मीठा दर्द होता है, जो दर्द इस सेंस के साथ है कि यार ऐसा लगता है कि बीटन किसी ने मारा हो और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो वो जो है वो आर्निका मोंटाना की टैगलाइन है। और ये जो पेन होता है जो लैक्टिक एसिड के जास्ती बनने के कारण डिपॉजिट हो जाता है लैक्टिक एसिड बॉडी में, और वो लैक्टिक एसिड हमको जो है मीठा मीठा सा सोर पेन देता है, उसकी जो मेडिसिन है आर्निका 30, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, मेरे ख्याल में अगर आप एक आध हफ्ते पेशेंट को देंगे तो ये काफी इससे फायदा होगा। अब हम आते हैं दूसरे कॉज में, जो प्राइमरी माइल्जिया का जो दूसरा कॉज है, वो जो दूसरा कॉज होता है उसके अंदर जनरली लोगों के अंदर गाउटी डिपोजिशन होता है। मैंने देखिए, मैंने रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो जो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसके अंदर कॉज ऑफ माइल्जिया बताए, तो सॉरी उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो बताया था, पर वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस मैंने आपको क्या बोला, मैंने एक्सक्लूड करके रखा है कि वो अपन जब भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस पढ़ेंगे तो उसको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। पर एक बहुत कॉमन चीज लोगों के अंदर हो रही है कि लोगों के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इनको पता नहीं चलता, और देयर आर द मेडिकल कंडीशन जहां पे ये जो यूरिक एसिड है ये जॉइंट पे नहीं डिपॉजिट होगा, ये मसल के अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर में डिपॉजिट होता है। एंड इन दैट केस ऑल्सो देयर इज अ फीलिंग ऑफ बॉडी एक, मतलब एक लगातार कंटिन्यूअस बॉडी एक की फीलिंग बनी रहेगी। इन दोनों पेनों का, जो मैंने आपको लैक्टिक एसिड के कारण जो माइल्जिया है प्लस जो गाउट के कारण जो माइल्जिया है, उनमें सबसे कॉमन सिम्टम्स दोनों में बहुत ज्यादा मिले जुले होंगे, ये हर कहीं होने लगता है, कभी ये यहाँ हो रहा है, कभी दूसरे पैर में हो रहा है, कभी पीठ में हो रहा है, कभी ये शोल्डर में हो रहा है, तो ये वेंडरिंग पेन होता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड कहाँ डिपॉजिट होना है ये कोई एज पर द रूल फिक्स्ड नहीं है, वो कभी बाइसेप्स में हो जाएगा, कभी वो थाई मसल में हो जाएगा, उसी तरह से गाउट का भी डिपोजिशन किन मसल्स में होना है ये कोई फिक्स्ड नहीं है,
ये बॉडी और डिजीज के बीच की बात है, उनके मूड के हिसाब से कहीं पे भी हो सकता है। तो जो दूसरा कॉमन कॉज है वो यूरिक एसिड का, यूरिक एसिड यूरेट का डिपोजिशन इन द मसल। और उसके लिए जो दो मेडिसिन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, फर्स्ट इज द रस्टोक्सिकोडेंड्रॉन 30, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, एंड द सेकेंड इज ब्राइनिया एल्बा 30। ब्राइनिया एल्बा 30 मेरे ख्याल में मटेरिया मेडिका में दूसरी मेडिसिन जो अगर मुझसे आर्निका के बाद मसल पेन पे कोई पूछेगा ना तो मैं रस्टॉक से भी ऊपर ब्राइनिया का नाम लूंगा। तो द टू मेडिसिन फॉर दैट माइल्जिया विच इज ड्यू टू गाउटी डिपोजिशन इन द मसल, तो दोज मेडिसिन आर रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन 30 एंड ब्राइनिया एल्बा 30। इन दोनों से आपको पेशेंट को चार चार गोली दिन भर में 3 बार देना है कुछ हफ्ते के लिए। एंड द माइल्जिया ड्यू टू ओवर एक्सर्शन ड्यू टू द लैक्टिक एसिड डिपोजिशन इन द मसल, है ना। जनरली लैक्टिक एसिड कब डिपॉजिट होगा, जब हम बहुत मेहनत का काम कर लेंगे जो हमको आदत नहीं है। तो इन दैट केस हमारी मेहनत करने के कारण बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा और उसका ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, तो वो जो मीठा मीठा दर्द होता है उसके लिए है आर्निका मोंटाना। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिलेगी और आपका कहीं ना कहीं दृष्टिकोण बदलेगा माइल्जिया को देखने का, माइल्जिया को समझने का। और वीडियो अच्छा लगा और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाए। इस सैटरडे भी लाइव स्ट्रीम है शाम को 4:30 बजे, तो दोस्तों उसके अंदर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।